नमस्कार मेरे कुंभ राशि के मित्रों, हाजिर हूं मैं आपके मंत्री राशिफल के साथ और आज खास तौर पे आपके बारे में मंथ ऑफ जून की बात करूंगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं एक और जानकारी आपको दूं कि अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब के ऊपर तो आप मुझे देखते हैं, लेकिन मैंने एक शो शुरू किया है फेसबुक लाइव, जो हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से होता है। आप उसमें मुझे ज्वाइन इन कर सकते हैं, कोई भी एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंस्टेंट जैसे एक जवाब होता है उसी समय आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आपको करूंगा। और ये सिलसिला आपके प्रयास से, आपकी सहायता से जो है निरंतर चल रहा है। पिछले कई हफ्तों से ये प्रोग्राम फेसबुक के ऊपर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो अब मैं बात करूँ आपके मंथली फॉरकास्ट, जिसकी हम चर्चा आप इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स आए कि अभी तक मैंने वीडियोज़ जो है अपलोड नहीं किए हैं। तो मैं बता दूँ, कई बार निजी व्यस्तता की वजह से कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपका राशिफल जो है उसको अपलोड करना भूल गया हूँ। तो कुंभ राशि वालों को कहूँगा कि आपकी दसों उंगलियाँ घी में हैं। इस समय आपको इस महीने में खास तौर पे नेम और फेम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, संतान का सुख आपको मिलने जा रहा है। यानी कि इस महीने में उन लोगों के लिए खास तौर पे एक बहुत अच्छी बात है जो फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जिनको जो सोच रहे हैं उनको अच्छी न्यूज़ मिलेगी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वहीं दूसरे लोग जिनकी डिलीवरी ड्यू है, भाई आप एक अच्छे हेल्थी बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं और परिवार में खुशियों का समागम बनने वाला है। और चिर प्रेक्षित क्या होगा, कैसे होगा, तो इस महीने में आपकी ये जो वेटिंग लिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी और कुल मिला के संतान से जुड़ी हुई खुशियाँ आपके आंगन में खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। दसों उंगलियाँ घी में है, तो इसका मतलब कामकाज की हालत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वैसे ही मैंने कहा कि आपका साइन एक ऐसा साइन है जिसमें एफर्ट्स कम होते हैं लेकिन लाभ ज़्यादा मिल जाता है। तो ये लाभ कामकाज के मामले में, इनकम के मामले में बहुत ही बेहतरीन पोजीशन आप लोगों के लिए आया है। तो जब जेब में पैसा हो तो दुनिया रंगीन दिखाई देती है, बहुत कुछ करने को दिल करता है। तो यही स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस बार बन गई है। लेकिन सेहत का क्या होगा भाई, मंगल और केतु का योग आपकी राशि से 12th हाउस में है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कुछ चिंताएं साथ में जुड़ी हुई हैं। ये परिवार या तो आपको बार बार हॉस्पिटल का विजिट करना पड़ सकता है, किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ ऐसी हो सकती है, जैसे अब डिलीवरी की बात की है कि भाई बच्चे का कोई हो सकता है, या आप किसी मेडिकल सहायता को लेना चाहते हैं बच्चे के मामले, तो इस वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो हॉस्पिटल के कॉन्स्टेंट जर्नी जो है वो मैं देख रहा हूँ, पर कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है भाई। जो भी समस्याएं होंगी उससे कहीं ना कहीं आप बहुत सक्सेसफुली उससे बाहर आ जाएंगे, यानी कि आपकी सेहत आगे चल के अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान में जब महीना शुरू होगा तो सूर्य बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो इस महीने में यानी कि मंथ ऑफ जून में ट्रांजिट करेंगे। तो 8 जून को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेगा आपके 6th हाउस में आ जाएगा, यानी कि इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कुछ लोग निश्चित तौर पे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन वहीं सूर्य और बुध का ट्रांजिट भी होगा। 10 तारीख को बुध बदलेगा, 15 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट होगा, वो आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। और इनका ये ट्रांजिट, ये कहें कि एक बार फिर से आपके रास्ते में जितने रुकावटें होंगी उसको दूर करने में सक्षम दिखाई दे रहा है। परिवार की बात अगर करूँ तो परिवार में जैसे उत्सव का समय होगा, गेट टुगेदर की बात होगी, आप लोग मिल मिला के बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, एक समागम की बात जिसको मैं देख रहा हूँ। वहीं उन लोगों के लिए यह महीना विशेष तौर पे लाभदायक है जो जिनका लव अफेयर है, जो चाहते हैं कि जीवन में उनको कोई साथी मिल जाए, किसी से वो बात करना चाहते हैं, तो लव लाइफ आप लोगों की इस महीने में विशेष तौर पे, जैसे कहते हैं एक पीक टाइम पे जैसे कोई चीज़ होती है तो वो दिखाई दे रही है। इसमें आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ कि उन लोगों के लिए जो अब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जिनका बिजनेस है, और बिजनेस भी खास तौर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, या कोई चेन है जैसे सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री जो लोग काम करते हैं, उनको विशेष तौर पे लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए मंथ ऑफ जून दसों उंगलियां घी में को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सब कुछ सही होगा, हमें यहाँ पर आपकी फैमिली जो है यानी कि आपकी रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो बिगनिंग में कुछ चीज़ें रहेंगी, पार्टनर की हेल्थ का भी कुछ संशय रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक मंथ ऑफ लव जैसे आपके लिए कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो रिलेशनशिप में ये बहुत ही अच्छा एक महीना आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। जब मैं बात करता हूं आपके धन की, तो धन के मामले में देखता हूं तो धनेश और लाभेश दोनों ही भाग्यस्थान से जुड़े हुए, जुपिटर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि धन की कमी नहीं रहेगी। आपको बहुत अच्छी टेक्निक आ जाती है,
घुई अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उसके लिए उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो कुल मिला के ये महीना आप लोगों के लिए हेल्थ, वेल्थ, परिवार, लव, फाइनेंस की एक बहुत ही अच्छी मिसाल लेके और एक सौगात लेके आपके लिए आ रहा है। तो एंजॉय करें, स्टे ब्लेस्ड। और मैं ये कहूँगा कि मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना ना भूलें। मिलूँगा आपसे और बात करूँगा आपसे आपके जुलाई महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।